नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 1 मई मजदूर दिवस पर आज राजस्थान में काम करने वाले करीबन 300 प्रवासी मजदूरों को फतेहाबाद वापस लाया गया। यहां पर उन्हें एक आश्रम में क्वारंटाइन किया गया है। इलाके के ये 300 से अधिक मजदूर, जिनसे कुछ प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, काम के सिलसिले में ये लोग राजस्थान गए हुए थे। इस दौरान लॉकडाउन हुआ तो वे वहीं पर फंस कर रह गए। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद उन्हें आज फतेहाबाद लाया गया। इन मजदूरों को हिसार रोड पर बने एक आश्रम में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं चिकित्सकों की देखरेख में इनका स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही पुलिस कर्मचारी भी इन लोगों की देखभाल की ड्यूटी में लगे हैं। यहां पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी कृष्णा देवी ने बताया कि जैसे ही पता चला कि राजस्थान से कुछ मजदूरों को फतेहाबाद लाया गया है, वह इनकी सेवा और उनके मास्क बांटने पहुँच गए। वहीं पुलिसकर्मियों ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इसी के लिए उनकी जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करना और मजदूरों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। पलपल फतेहाबाद से राजेश पांबो की विशेष रिपोर्ट। सर, मजदूर दिवस है, विश्व मजदूर दिवस है, इसलिए इनका मान सम्मान कर रहे हैं हम, इनको सम्मानित कर रहे हैं कि इतने बड़े लॉकडाउन में भी ये पूरे धैर्य से अपना काम कर रहे हैं और कानून की पूरी पालना कर रहे हैं। आज जैसे मेरी को पता चला भी यहाँ ड्यूटी है, तो मैं मास्क बना के ही रखे थे मैंने मजदूरों को बांटने के लिए, तो आज इनको मैंने 100 से ज़्यादा मास्क बांटे हैं जी, और आज और भी बनाऊँगी और शाम को मजदूरों को और भी बांट के आऊँगी जी। जिस दिन से सर लॉकडाउन हुआ है जी, उस दिन से मुझे लगा कि मास्क की कमी है, और मैं नौकरी लगने से पहले ही सिलाई का ही काम करती थी सर, और इस काम को मैं रोक नहीं पाई। मैं ड्यूटी के साथ साथ डेली मास्क बना रही हूँ सर, हर रोज़ 100 मास्क तैयार करती हूँ जी मैं, हर रोज़ बांट भी आते हैं जी हम। तो आपने कितने मास्क बांट दिए होंगे? सर मैंने 2000 से ज़्यादा मास्क बांट दिए जी, 2200-2300 मास्क बांट चुकी हूँ जी। कहाँ कहाँ बांटे आपने? सर सभी थाने, सभी चौकियों और ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस, जितने भी मेरे फतेहाबाद में थाने चौकी हैं, जितनी मेरी फोर्स है, सभी को मैंने मास्क दिए हैं। और अनाज मंडी, सब्जी मंडी और कोई ट्रक रेड़ी वाला, सब्जी वाला, जो भी मेरे सामने आया लाल बत्ती चौक पे खड़े होकर के, हमने जितने हर रोज बनाते हैं जी सब बांट के ही आते हैं जी हम। आप अकेले कर रहे हैं ये काम या और भी कोई साथ आपके? मेरे पति मेरी हेल्प करते हैं जी, और मेरे एक हफ्ता मेरे को मेरे पड़ोसी मुलाजिमों के मिसेज बच्चे हैं जो, उन्होंने मेरा सहयोग किया, और मेरे को खुद ही हम कपड़ा खरीद रहे हैं जी, जिसमें SHO ट्रैफिक और SHO सिटी और मेरे साथी कर्मचारी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते हैं जी। कुछ गुरुद्वारा साहब से मेरे पास कपड़ा आ गया था, सामान वगैरह आ गया जी, और हम खुद ही अपना ये कर रहे हैं जी, फ्री में बांट रहे हैं जी। अब आपने आज जो बांटे हैं यहाँ पे, जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, तो कितने बांटे आपने यहाँ? मैंने जी 100 से ज़्यादा बांटे हैं जी, 120-130 मास्क होंगे जी जो मैंने अभी बांटे हैं जी। ये कहाँ से आए हैं प्रवासी मजदूर? ये सर राजस्थान से आए जी, इनका स्क्रीनिंग होकर के यहाँ आया जी, आज फिर इनका भी स्क्रीनिंग करेंगे, इनको खाना दे दिया, इनकी आज हम पूरा मान सम्मान कर रहे हैं, पूरी इज्जत कर रहे हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सर भी कानून की पालना की है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देवी, डॉक्टर कृष्णा देवी 965। क्या पद है? लेडी कॉन्स्टेबल हूँ सर।